वेलकम टू डीडीसी रेसिपीज। आज हम एक स्वीट डिश बनाएंगे, ये है गुड़ और चावल की खीर। इसे हम राइस पॉरिज भी कहते हैं और ये बहुत ही हेल्दी, बहुत ही डिलीशियस होती है, बहुत इजीली बन भी जाती है और हम इसे कभी भी बना सकते हैं क्योंकि इसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स यूज होते हैं वो हमारे घर पे हमेशा प्रेजेंट होते हैं। ये एक बच्चों के लिए एक कंप्लीट फूड होती है क्योंकि इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिंस एंड मिनरल्स सब कुछ प्रेजेंट होता है। जैगरी जिसे हम कहते हैं उसमें बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होते हैं, इसमें विटामिंस और मिनरल्स बहुत ज्यादा होते हैं और इसके अंदर जो है एंटीऑक्सीडेंट भी होता है और ये जो है लीवर से हमारे जो टॉक्सिक मटेरियल्स होते हैं उनको बाहर निकालता है, तो ये डिटॉक्स के लिए बहुत ही अच्छा है। ये हमारे कॉन्स्टिपेशन को भी, बॉडी में जो कॉन्स्टिपेशन होता है उसे खत्म करता है, तो ये गट्स के लिए बहुत ही अच्छा है। तो हमें जो है सर्दियों में गुड़ की खीर बना के जरूर खानी चाहिए, गरम गरम खीर हम इसकी खाएंगे तो ये बहुत ही अच्छी लगती है, बहुत ही डिलीशियस होती है। तो चलिए आज हम गुड़ की खीर बनाते हैं। ये एक कप बासमती राइस है, इसे मैंने 3 घंटे के लिए सोक करके फिर छान के यहाँ पे रखा है। आप चाहें तो कोई भी राइस यूज़ कर सकते हैं। ये एक कप गुड़ का पाउडर है, जैगरी पाउडर। अगर आपको ये ना मिले तो आप नॉर्मल गुड़ को छोटे छोटे पीसेस में कट करके यूज़ कर सकते हैं। ये हाफ कप ड्राई फ्रूट का मिक्सचर है, इसमें मैंने अखरोट, बादाम और काजू को छोटे छोटे पीसेस में चॉप करके रखा है। आप चाहें तो कोई भी नट्स यूज़ कर सकते हैं। ये 1 टीस्पून कार्डमम पाउडर है, छोटी इलायची का पाउडर। ये 1.5 टेबल स्पून रेजिन्स हैं, किशमिश, और यहाँ मैंने 3-4 अखरोट, बादाम और काजू को रफली चॉप करके रखा है। ये 1 टेबल स्पून घी है। ये 1 लीटर फुल क्रीम मिल्क है, हमें थिक मिल्क ही यूज़ करना है खीर के लिए, तब खीर अच्छी बनती है। गैस को हाई फ्लेम में करके हमने कढ़ाई रख ली है और ये गर्म हो चुकी है, तो इसमें हम 1 टेबल स्पून जो हमने घी लिया है वो डाल देंगे। ड्राई फ्रूट्स डाल के थोड़ा स्टर फ्राई करना है, हमें इनको ज़्यादा स्टर फ्राई नहीं करना है नहीं तो ये हार्ड हो जाएंगे। बस थोड़ा सा ही स्टर फ्राई करके हम इसे बोल में निकाल लेंगे। इनकी खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है और इसी घी में हम जो रिमेनिंग घी है उसी में हमने जो सोक करे हुए राइस हैं वो डालकर उसको भी हम 1 मिनट के लिए लो गैस पे, लो फ्लेम पे थोड़ा सा स्टर कर लेंगे। इससे ये बहुत अच्छे बनते हैं। 1 मिनट हो गया है तो हम इसमें मिल्क डाल देंगे। गैस हमारी अभी हाई फ्लेम पे है, जब तक इसमें एक बॉयल ना आना शुरू हो जाए तब तक हम इसे हाई फ्लेम में ही रखेंगे और उसके बाद हम इसे मीडियम फ्लेम में कर देंगे। मिल्क बॉयल हो गया है तो हम गैस को मीडियम फ्लेम पे कर देंगे और इसी तरीके से बीच बीच में चलाते हुए हम इसे कुक कर लेंगे। बीच बीच में हमें इन्हें चलाते रहना है ताकि ये तले से ना लग जाए, ये जल ना जाए, और साइड्स की मलाई भी निकालते हुए हमें इसी में डालते रहना है ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। जब तक कि ये दूध और चावल बहुत अच्छे से एक दूसरे से मिक्स ना हो जाए हमें पकाना है। अब देखिए चावल अच्छे से कुक हो गए हैं, ये बहुत ही थिक भी हो चुकी है, तो इसमें हम मिक्स ड्राई फ्रूट डाल देंगे और इलायची पाउडर डाल देंगे और 1 टेबल स्पून हम किशमिश डाल देंगे और 1/2 टेबल स्पून छोड़ देंगे और इसी तरह से हम इसे हिलाते हुए 1-1.5 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। 1.5 मिनट हो गया है तो हम गैस बंद करके कढ़ाई को साइड में रख देंगे। हमें इसे थोड़ा ठंडा करना है ताकि जब हम इसमें गुड़ का पानी डालें तो ये ठंडा रहे, नहीं तो गर्म में दूध फट सकता है। तो हमने एक सॉस पैन रख लिया है हाई फ्लेम पे, इसमें हम 1/2 कप वाटर डालेंगे और जो हमने जैगरी का पाउडर लिया है वो हम इसमें ऐड कर देंगे। हमें अब जैगरी को मेल्ट करना है। बस एक बात का ध्यान रखिए कि हमें इसे सिर्फ मेल्ट करना है, इसकी हमें चाशनी नहीं बनानी है, तो हमें सिर्फ उतना ही गर्म करना है जितने में ये मेल्ट हो जाए और इसे हमें अच्छे से हिला लेना है। जब ये मेल्ट हो जाएगा तो अगर आपने ढेले वाला गुड़ लिया है तो उसको छान के ही आप खीर में डालिएगा। मेरा ये साफ है तो मैं इसको ऐसे ही डाल दूँगी। ये अच्छे से मेल्ट हो गया है तो हम इसे साइड में हटा देंगे और अब हम अपनी कढ़ाई को फुल फ्लेम करके गैस के ऊपर रख देंगे और हम इसमें
कि जैगरी का मिक्सचर डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और गैस को हमने हाई फ्लेम पे करना है ताकि अच्छे से सारा फ्लेवर एक साथ मिक्स हो जाए और खीर हमारी बहुत ही गाढ़ी तैयार हो। बस खीर तले में नहीं लगनी चाहिए। खीर हमारी बहुत ही गाढ़ी हो गई है, बहुत ही अच्छी बन गई है, तो हम इसे सर्विंग बोल में सर्व करने के लिए निकालेंगे। और खीर का कलर जैगरी के कलर पे डिपेंड करता है। अगर लाइट कलर की जैगरी होगी जैसी मैंने यूज़ करी है तो ऐसे ही लाइट कलर की खीर बनेगी, और अगर डार्क कलर की जैगरी होगी तो खीर डार्क ब्राउन कलर की बनेगी। कलर कुछ भी आए, बस खीर टेस्टी होनी चाहिए। चलिए अब इसको थोड़ा हम और टेस्टी बनाने के लिए गार्निश करते हैं। हमारी डिलीशियस हेल्दी चावल और गुड़ की खीर बिल्कुल बनके रेडी है। आप इस विंटर इसको ज़रूर बनाइए, गरम गरम खाइए और अपने एक्सपीरियंस DDC रेसिपीज़ में कमेंट के थ्रू शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक एंड शेयर करिए और DDC रेसिपीज़ को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। टिल देन गुड बाय। हेल्दी रहिए, खुश रहिए।